रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी आत्मस्थानंद महाराज की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। आत्मस्थानंद 2015 से दक्षिण कोलकाता के रामकृष्ण मठ सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर शोक व्यक्त किया है। स्वामी आत्मस्थानंद महाराज 22 साल की उम्र में बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे। मई 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता आए थे तो उन्होंने अस्पताल जाकर आत्मस्थानंद महाराज से मुलाकात भी की थी। स्वामी आत्मस्थानंद महाराज के बारे में आपको कुछ और अहम जानकारी भी देते हैं। स्वामी आत्मस्थानंद महाराज 99 साल के थे, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के प्रमुख थे। 1938 में विजयानंद महाराज से दीक्षा उन्होंने ली थी। 22 साल की उम्र में बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन से वो जुड़े थे। 3 जनवरी 1941 को बेलूर मठ से जुड़े थे। 1945 में स्वामी विजयानंद के ब्रह्मचारी की शपथ दिलाई गई थी। 1949 में संन्यास लेने के बाद आत्मस्थानंद ने अपना ये नाम इस नाम से उनको जाना गया। 3 दिसंबर 2007 को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी